हम जा रहे हैं अपने आज सोसाइटी में, हमारा डिनर है पंडाल में पप्पा गणेश चतुर्थी के उत्सव पर। तो टीना और मैं जा रहे हैं, वीर तो आ गया नीचे से बट उसने खाया नहीं, आधी नीचे वेट कर रहा। तो टीना और मैं जा रहे हैं फिलहाल, आधी नीचे कोइंसिडेंटली आज टीना का ड्रेस और मेरा ड्रेस मोलो सेम ही हो गया, मतलब ये कोइंसिडेंट ही हो जा रहा है बार बार। छोटा छाता लेना चलेगा अपने बारे। टीना का भी आज तूने भी कैसी पहन लिया, मेरा भी मैं तो इनके इसमें था वो कलर का। अब बताइए थोड़ा इस बारे में, इनके बारे में चालू कर दो पहला। हाँ आइए आइए, आप आइए आइए, फिर बनाते साथ में। रेडी चौहान जी के यहाँ पे आइए ना भाभी। अरे अरे ये तो सही, खाली बताना है थोड़ा सा क्या बनाया, वो तो बताएंगे ना इतना अच्छा बनाया है। तो हम हर साल आते हैं तो यहाँ पे जो पंडाल बनाया जाता है ना, बहुत ही डिफरेंट तरीके से पंडाल बनाया जाता है। तो अभी क्या है वो, कैसे बनाया और कब से बनाया, वो आपको चौहान जी और भाभी जी बताएंगे। बताइए सर। ये एक्चुअली हमने इस बार का थीम रखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था जी, उसको इस साल 350 साल हो गए। 6 जून को जो रायगढ़ में बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, तो उसी टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम इसी के ऊपर कुछ बनाए। तो मैंने कुछ उसके ऊपर स्टडी किया, उसके बाद में मैंने 1 जुलाई से ये काम की शुरुआत की, क्योंकि मेरे को लगा अगर मेरे को बड़ा बनाना है तो समय लगेगा। करेक्ट। अब ये एक्चुअली जो प्रतिकृति है, ये बेसिकली इसको मेक डमरी बोलते हैं, जो रायगढ़ पे है जिसमें शिवाजी महाराज का स्टैचू है। और हम बोलते हैं कि उस समय की जो थी वो मेक डमरी जैसे बोलते, जहाँ पे राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का हुआ था, तो उस समय बोलते कि वो 40 मन की थी। अच्छा। 32 मन की थी, 32 मन की। अच्छा। तो ऐसा कुछ है कि एक मन बोलेगा तो 40 kg है। हाँ। तो उतनी वो सोने से जड़ी हुई थी, जो कि ब्रिटिशों ने उसको तोड़ मोड़ के उसको लेके चले गए। तो ये बेसिकली ऐसा ही हमने राज दरबार के टाइप ऐसे किया है कि उनका, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड कारपेट हमने डाला है कि शिव महाराज जो है जो अंदर जाके बैठे हैं, विराजमान हैं, और बाकी सामने जो प्रजा है। हाँ। तो एक राज दरबार का हमने रूप दिया है इसको। वेरी गुड। एंड दिन भर में आप 1 जुलाई से आपने इसमें काम किया, तो कितना टाइम डेली दे रहे थे? डेली एक ऑफिस आने के बाद फ्रेश होके रोज 3 से 4 घंटे होते थे, बट लास्ट 10 दिन जो है ऑलमोस्ट 18 से 19 घंटे काम किया। वाह। जो भी खाना पीना या इसमें जो टाइम गया होगा 1-1.5 घंटा या फिर कंटिन्यूस 18 से 19 घंटे काम किया। और संडे तो 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से बीबी ने वही सैक्रिफाइस किया कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो उसका कंट्रीब्यूशन उसमें टाइम दिया। करेक्ट। उसने सैक्रिफाइस किया संडे, और उसके बावजूद मैंने जो सब यहाँ पे बिखर के रखा था, लाए थे ये थे वो थे, डाइनिंग टेबल पूरा पैक था, ये हॉल पूरा पैक था, लेकिन एक चीज इधर की उधर नहीं की। मैं बोल के जाता भाई इसको चीज हिलाना है, क्योंकि आज मेरे दिमाग में मैंने वो मार्किंग करके रखा। करेक्ट करेक्ट। तुम हिलाओगे तो फिर मेरा लिंक चेंज हो जाएगा। सही। आज इट इज बोले कोई हाथ नहीं लगाएगा। ग्रेट। तो उसने बर्दाश्त किया। ग्रेट। तो उसके कारण पूरा हो चुका। नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी है, उन्होंने सोचा कि ये होना चाहिए। ऐसा लगता था कि ये डिफिकल्ट है, क्योंकि इतना जॉइंट्स है और फिर कोरोगेटेड बॉक्स में है। Correct. तो इतने जॉइंट्स कहीं पे भी लग सकता है, 1 mm का भी डिफरेंस हो गया तो ये
खोज सकता था, लेकिन फोन आ रहा है 90 डिग्री परपेंडिकुलर में सब बना हुआ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसमें एक ये ऐसा है कि एक्चुअली ये अस्त, ये है अष्टकोण है, बेसिकली ऑक्टागन है जिसे बोल सकते हैं। हम बोलते हैं कि ये सब 8 पिलर है। फिर हमने इसमें जो प्लेट डाले उसमें 8 प्लेट डाले हुए, इसमें प्लेट 8 है, सभी पिलर में इसमें 8 प्लेट है, ताकि इसको जो शेप देना था वो 8 पिलर के हिसाब से आप देख सकते हैं मॉडल में। करेक्ट। उसके बाद में हम बोलते हैं कि ये शिवाजी महाराज का तो अष्ट प्रधान, जैसे आप राज मुद्रा भी देखेंगे तो उसमें अस्त ऑक्टागन ही था वो, और उनका अष्ट प्रधान था। अब अभी जो G20 का जो समिट हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा मीन्स कॉफी टेबल बोल सकते हैं जो फॉरेन डेलीगेट्स आए थे उनको दिया था, उसमें मैंने डिजिटल तौर पे देखा, तो जस्ट मैं बना रहा था तो लास्ट मेरे को 8-15 दिन पहले जो हुआ तो मैं सर्च किया तो उन्होंने पूरा ठीक कर दिया था कि हमारे अष्ट प्रधान या शिवाजी महाराज के टाइम ही सब ये सब सेट था, सब सेट था। मीन्स अगर हम बोलते हैं कि लोकशाही अगर हम बोलते हैं तो अभी हमको पता चला नहीं है, वो 350-400 साल से पहले से सेटअप किया था। तो एक्चुअली ये बड़ापन है, वेरी गुड। बाकी सब बापा की ग्रुप है, ने बहुत बढ़िया बनाया है, और हम समझ सकते हैं मतलब आम आदमी की बस की नहीं है ये सब बनाना। चलिए ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। तो हमारे डिनर में क्या है, हलवा पूड़ी पुलाव छोले पनीर अचार और कुरमुरे। रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी, रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी, मेरी तरफा किला तू ले मुख मोड़ी रुकमा, दिल तोड़ी रुकमा, मुख मोड़ी रुकमा, दिल तोड़ी रुकमा। रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी, रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी, मेरी तरफा किला तू ले मुख मोड़ी रुकमा, दिल तोड़ी रुकमा, मुख मोड़ी रुकमा, दिल तोड़ी रुकमा। पहली पहली जब तुए देख्यूं, पहली पहली जब तुए देख्यूं, दिल में मैले क्या क्या सोचूं, दिल में मैले क्या क्या सोचूं। कब होली तेरी मेरी भेंट रुकमा, कब होली भेंट तेरी मेरी रुकमा। रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी, मेरी तरफा किले तुले मुख मोड़ी रुकमा, दिल तो फसला पर चले। अबीर गया नहीं, देखो आदि आए नहीं अभी तक, आदि चला गया बाहर। तो चलिए भाई, अभी आपको इस व्लॉग की जो खास बात थी वो ये थी कि हम लोग ने जो पंडाल देखा, जो उस पर मेहनत करी चौहान जी ने, संतोष चौहान जी ने, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब हम तो कायल हो गए। उसके बाद हमने उनका घर भी देखा, उन्होंने घर को रेनोवेट किया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन पंडाल 1 जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 2.5 महीने से भी ऊपर समय लगा उसको बनाने के लिए। सो आई रियली सल्यूट टू हिम फॉर हिज क्रिएटिविटी। तो मज़ा आ गया, मतलब हम लोग काफ़ी देर थे वहाँ पे, लेकिन बहुत मज़ा आ गया। तो चलिए फिलहाल, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें, और इस व्लॉग को करते हैं खत्म। बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ। मेरे से बड़ा है तू, बहुत बड़ा है। ओ हाँ हाँ।